आज हम मध्य प्रदेश की नदियों का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से देख रहे हैं मध्य प्रदेश की पहली उत्तर मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, चंबल। हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चंबल निकलती कहाँ से है, तो सबसे पहले ये चीज देखेंगे, तो हमारी चंबल नदी कहाँ से, यहाँ पर इंदौर है। इंदौर की एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाव पहाड़ी, और जनापाव पहाड़ी के कौन सी जगह से, बंजू पॉइंट उपस्थित कहाँ पर है, महू में उपस्थित है, वहाँ से ये निकलती है और जाके किसमें मिलती है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद इसमें जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जिसकी सहायक नदी कौन है, तो सबसे पहले कौन है, शिवना कहाँ से निकलती है, आपके मंदसौर से निकलती है। दूसरी सहायक नदी इसकी कौन सी है, काली, जो कहाँ से निकलती है, बागली देवास से निकलती है। तीसरी इसकी सहायक नदी कौन सी है, पार्वती है, जो कहाँ से निकलती है, सीहोर से निकलती है। इसके बाद इसकी चौथी सहायक नदी कहाँ निकलती है, सीहोर से निकलती है। नेक्स्ट इसकी सहायक नदी कौन सी, सीप नदी है, जो कहाँ से निकलती है, जोधपुर से निकलती है, ठीक है। इसमें प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से बने हैं, इसमें प्रमुख चार जलप्रपात हैं। पहला जलप्रपात कौन सा है, जलप्रपात जो कहाँ पर बना हुआ है, हुआ है। दूसरा जलप्रपात कौन सा है, लाल पानी जलप्रपात है, जो कहां पर बना है, इसके बाद तीसरा जलप्रपात कौन सा है, शीतला माता कहां पर बना है, इंदौर में बना है। और चौथा जलप्रपात जलप्रपात है, जो कहां पर बना है, इंदौर में, ठीक है। इसके बाद इसमें परियोजनाएं कौन कौन सी बनी है, इस पर चार परियोजनाएं बनी हुई है, जिसमें पहली परियोजना कौन सी बनी है, जो कहाँ पर है, मंदसौर के मंदसौर जिले में बनी हुई है। उसके बाद दूसरी परियोजना कौन सी है, परियोजना है जो कहाँ पर बनी है, राजस्थान बनी है। तीसरी परियोजना देखेंगे कौन सी है, परियोजना है जो कहाँ पर बनी है, कोटा में बनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बांध बना है जिसका नाम है कोटा, जो कहाँ पर बना है, कोटा। ये आगे जाके सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी कौन सी है, बनारस, इसके दोनों संगम में रामेश्वर त्रिवेणी संगम बनता है, और लास्ट में ये समागम हो जाती है किसमें, यमुना नदी में, जहाँ इसकी कहानी हो जाती है समाप्त, और यमुना इसका पानी ले जाकर कहाँ छोड़ पाए, और गंगा से चली जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर।